हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक का डिज़ाइन एंड बिल्कुल अलग एंड कॉम्बिनेशन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है इसका डिज़ाइन तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सो so, गाइज यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है एंड ये चिपकने वाली बुकरम है यही बुकरम आपको लेनी है चौड़ाई इसकी आठ इंच है एंड लंबाई इसकी साढ़े इंच है उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है इसे फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने के बाद हमने अपने नेक की चौड़ाई लेनी है तो चौड़ाई जो है मैंने तीन इंच की ली है लंबाई में यहाँ पे चेंज की लूँगी एंड एक बॉक्स बना देंगे हम तो एक इंच पे मैं कुछ इस तरीके से मार्किंग करूंगी एंड एक राउंड शेप दूंगी इसको तो यहाँ पे हमारी एक राउंड शेप हो गई है हमारी नेक की उसके बाद आपको एक एक इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है इसके बाद हम इस पूरे ही नेक को कट कर लेंगे एंड एक ही फैब्रिक पे आपको इसे चिपका लेना है तो मैं यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन लूंगी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सो so गाइज़ यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है अपने नेक को एंड उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक व्हाइट कलर के फैब्रिक पे इसे चिपका लिया है सो so गाइज मार्किंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस मेरी ज्यादा हो रही है तो इस वजह से आपको बुकरम नहीं दिख रही है इसमें तो क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैंने इसको राउंड शेप में भी कट कर लिया है एंड सेंटर में इस तरीके से कट लगा दिया है उसके बाद आपको एक सेंटर में इस तरीके से लाइन करनी है तो ये लाइन आपको उसी तरफ करनी है जिस तरफ आपने बुकरम नहीं चिपकाई है मतलब बैक साइड बुकरम के आपको इसे लाइन uh, को करना है उसके बाद एक एक इंच पे कुछ इस तरीके से मैं मार्किंग करूँगी सो so गेज़ आपको इस तरीके का अंदाज़ा हो रहा होगा कि नीचे की साइड हमारी बुकरम कहाँ तक है तो वहाँ पर आप इस तरीके से एक एक इंच पर मार्किंग कर लें सो गाइस हाफ नेक पे मैंने कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आप दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लें एंड कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा पूरे ही पे ये देख सकते हैं पूरे पे मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का रिबन लिया है ये बिल्कुल बारीक वाला रिबन है आप इसके जगह कोई गोटा भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लैक का कॉम्बिनेशन देना था तो इसलिए मैंने ब्लैक यूज़ किया है एंड इन सभी लाइंस पे कुछ इस तरीके से आपको सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है आप इसकी जगह कोई बेल भी ले सकते हैं वो आपकी चॉइस है तो आधे नेक पे मैंने ये लगा दिया है अपना विभिन्न उसके बाद आपको आधे नेक पे लगा लेना है तो यहाँ पे मैंने पूरे ही नेक पे लगा दिया है उसके बाद हम बैक साइड पे इस तरीके से इसे कट कर लेंगे तो बुकरम से कॉटन इंच कपड़ा छोड़ते हुए आप इसे कट कर लें या फिर आप इसे कट ना करें आप अपनी शर्ट पर इसे लगा लें एंड उसके बाद इसे राइट साइड पर टर्न कर दें तो यहाँ पर मैं पहले कट कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है एंड इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा ये देख सकते हैं उसके बाद आपको अपनी शर्ट के बिल्कुल बीच में रखना है ध्यान रहे आप जिस साइड आप इसे लगाएंगे तो ये रॉन्ग साइड होनी चाहिए आपकी शर्ट की एंड उससे पहले मैंने यहाँ पे इसे आयरन कर लेना है कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए क्योंकि हमने क्वार्टर इंच कपड़ा नीचे की साइड छोड़ रखा था तो यहाँ पे आप इस तरीके से आयरन कर ले या फिर इसे चिपका लें तो यहाँ पे मैंने इसे आयरन कर लिया है ये देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा बहुत फिनिशिंग से आपका ये नेक बनेगा इसके बाद हम अपनी शर्ट के ऊपर इसे कुछ इस तरीके से रखेंगे तो ध्यान रहे आपकी जो शर्ट है वो रॉन्ग साइड पे होनी चाहिए उसके बाद जो हमने कॉटन इंच कपड़ा छोड़ा था उसकी बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर आपको स्ट्रेच करते चले जाना है तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है उसके बाद आपको क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ते हुए ही इसे कट कर लेना है कट करने के बाद आप छोटे छोटे कट लगा दें ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कटे सो so गाइज अब आपको अपनी शर्ट को राइट साइड पे टर्न करना है जो बैक से नेक हमने स्ट्रिच किया था उसे आपको राइट साइड पे इस तरीके से टर्न कर देना है टर्न करने के बाद इसकी किनारी पे बिल्कुल आपको स्ट्रिच कर लेना है तो यहाँ पे मैंने किनारी को बिल्कुल स्टिच कर लिया है गाइस देख सकते हैं आप उसके बाद हमने यहाँ पे दो फैब्रिक लिए हैं कंट्रास्ट में एक वाइट एंड एक ब्लैक इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने साढ़े तीन तीन इंच के करीब ली है दोनों की ही लंबाई मैंने इसी तरीके से ली है उसके बाद हम एक के ऊपर एक रखेंगे एंड चारों तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है उसके बाद मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूंगी एंड बीच में से इसे कट कर लूंगी कट करने के बाद आपको इसे राइट साइड पे टर्न कर देना है सारे कोनों को आपको इस तरीके से कट कर लेना है हल्का हल्का एंड उसके बाद इसे राइट साइड पे टर्न कर लें अच्छे से तो यहाँ पे मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है टर्न करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है ये देख सकते हैं इस तरीके का लुक लाना है आपको अपने ट्रायंगल में एंड ये इस तरीके का लुक आएगा गाइस देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है इसके बाद आप इसे आयरन कर लें तो यहाँ पे मैंने अपना नेक ले लिया है एंड जो हमने ट्रायंगल को बनाया है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया है एंड इसके नीचे कुछ इस तरीके से रखेंगे एंड इसे स्टिच कर लेंगे सो तो गाइज़ इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा आप बना के ज़रूर देखिएगा तो काफ़ी सारे ट्रायंगल मैंने बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं तो मैं सबको इनके बिल्कुल बराबर बराबर से लगाती चली जाऊँगी पूरे नेक पर सो गाइज यहाँ पे मेरा जो नेक है वो रेडी हो गया है इसका डिजाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय से नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज